Good morning, class. I am your Hindi teacher, Savita Maurya. Today, I am going to start our new lesson, Paas Paas Aao Patang Udaaye. आज हम अपना नया लेसन पढ़ेंगे, आओ पतंग उड़ाएं। तो बच्चों, ये जो लेसन है, आओ पतंग उड़ाएं, इसमें क्या है, कुछ बच्चे मिलकर पतंग उड़ा रहे हैं। जैसा कि आपको भी मालूम है कि पतंग कैसे उड़ाते हैं और पतंग उड़ाने में कितना मजा आता है, तो इस लेसन में भी कुछ बच्चे हैं जो कि पतंग उड़ा रहे हैं और उस पतंग उड़ाने में उनका मजा ले रहे हैं। इसमें एक पात्र है सिमरन, अरुण, स्मित, इमरान, ये चार बच्चे हैं कहा इस पाठ में, और ये चारों बच्चे मिलकर पतंग उड़ाने का मजा ले रहे हैं। ठीक बच्चों, तो जो सिमरन है, सिमरन कहती है, अरुण इधर आओ, आसमान में देखो कितनी रंग बिरंगी पतंग उड़ रही है। तो अरुण कहता है, वाह वाह कितनी बढ़िया पतंग उड़ रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तभी स्मित आता है, कहता है, अरे क्या है, तुम लोग ऊपर क्या देख रहे हो, मुझे भी बताओ। तो बोलती है, ऊपर देखो कितनी सारी रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही है। तो इमरान कहता है, चलो हम भी पतंग उड़ाएं। ऐसे ये चारों बच्चे मिलकर अपना प्लानिंग करते हैं कि चलो हम लोग भी मिलकर पतंग उड़ाएं। तो अरुण कहता है, हाँ हाँ हम सब मिलकर पतंग उड़ाएंगे, चलो घर से पतंग माझा और चरखी लेकर आते हैं। ऐसा कहकर चारों बच्चे अपने अपने घर गए और पतंग उड़ाने का सामान लेकर आए। फिर सिमरन जो है स्मित से बोलती है, लो तुम मांझा संभालो, इमरान तुम चरखी पकड़ो। तो इमरान जो है क्या करता है, चरखी पकड़ लेता है और स्मित क्या करता है, मांझे को संभालता है। सिमरन जो है, ठीक है लो मैं पतंग हवा में छोड़ देती हूँ। अरुण कहता है सिमरन से कि लो तुम पतंग इसको तुम हवा में छोड़ दो। लेकिन पतंग को हवा में छोड़ने से पहले उन लोग क्या करते हैं, पतंग में डोर को बांधते हैं। और उसके बाद जो अरुण है वो सिमरन से कहता है, लो तुम पतंग को हवा में उड़ा दो ताकि पतंग जो है हवा में उड़ जाए। तो सिमरन ले जाके पतंग को हवा में ऐसे करके उड़ा देती है, तो पतंग आसमान में उड़ने लगती है। और अरुण कहता है, वाह कितनी अच्छी हवा चल रही है, इससे मेरी पतंग बहुत जल्दी आसमान में ऊपर चली गई है। तो सारे बच्चे इसी तरीके से पतंग उड़ाने का मजा ले रहे थे। तभी जो है इमरान जो कहता है कि मैं चरखी घुमाता हूँ और तुम मांझा संभालो, चलो हम लोग उस लाल पतंग को से क्या करते हैं, जो लाल पतंग ऊपर आसमान में उड़ रही है उससे क्या करते हैं, पेच लड़ाते हैं। तो सब कहते हैं, हाँ हाँ चलो उस लाल पतंग से क्या करते हैं, पेच लड़ाते हैं। पेच लड़ाने का मतलब होता है तो उस पर दो मतलब एक डोर से दूसरी डोर में जबर खाकर पतंग का कटना। तो दोनों बच्चे जो है, जो चारों बच्चे होते हैं वो सब एक राय होते हैं कि हाँ उस लाल पतंग को हमको काटना है। तो क्या करता है अरुण जो है, उस पतंग जो लाल पतंग है उससे पेच लड़ाता है और उस लाल पतंग को काट देता है। जब लाल पतंग कट जाती है सारे बच्चे बहुत ही खुश हो जाते कि ये हम लोगों ने पतंग काट दी। आप लोगों ने भी जब कभी पतंग उड़ाया होगा तो आप लोगों को जब कभी आपसे पतंग किसी और की पतंग कट जाती होगी तो आप लोगों की बहुत मजा आता है। और ये सारे बच्चे पतंग उड़ाने कहाँ पर गए थे, खुले मैदान में, कोई छत पर नहीं गया था। हमेशा याद रखिएगा, पतंग हमेशा खुले मैदान में ही उड़ानी चाहिए। तो बच्चों, ये चारों बच्चे उन्होंने पतंग कैसे उड़ाया और पतंग उड़ाते समय उन्होंने क्या क्या मजा किया ये मैंने आपको बताया। आइए इसमें जो लेसन, इससे क्या शिक्षा मिलती है उसको भी मैं बता देती हूँ। शिक्षा, हमें घर की छत पर पतंग नहीं उड़ाना चाहिए, केवल खुले मैदान में ही पतंग उड़ानी चाहिए। हमें कहाँ पतंग नहीं उड़ाना चाहिए बच्चों, घर की छत पर। बच्चों कभी भी घर की छत पर पतंग नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हमारा सारा ध्यान ऊपर आसमान की ओर रहता है, पतंग की तरफ। हम लोग ऐसे ऊपर आसमान की ओर देखते हैं और पतंग उड़ाते हैं और ध्यान नहीं देते कि हम कहाँ तक आ गए हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे छत पर उड़ाते रहते हैं और ना ध्यान देने की वजह से वो नीचे छत से गिर जाते हैं, उससे क्या होता है उनको चोट पहुंचती है। इसलिए कभी भी आप लोग भी पतंग उड़ाइए तो हमेशा खुले मैदान में उड़ाइए। तो बच्चों ये मैंने यहाँ पे शिक्षा समझा दी। आइए पाठ में कुछ कठिन शब्द है उसको भी हम समझ लेते हैं। कठिन शब्द, खूब मजा आना यानी कि प्रसन्न होना, आकाश, आसमान, मांझा, पतंग उड़ाने की डोर, पेच लड़ाना, दो पतंगों की डोर पर परस्पर रगड़ खाकर किसी एक डोर को
काटना। तो बच्चों ये कुछ कठिन शब्द है, मैंने इसको यहाँ पर पढ़ा, मैं इसको एक बार और पढ़ लेती हूँ ताकि आपको ये कठिन शब्द अच्छे से याद हो जाए। खूब मजा आना यानी कि प्रसन्न होना, आकाश आसमान मांझा पतंग उड़ाने की डोर, पेच लगाना दो पतंगों की डोर का परस्पर रगड़ खाकर किसी एक डोर को काटना। तो बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ कठिन शब्द थे उसको भी पढ़ा और आपको बताया कि इस पाठ में कैसे चारों बच्चे मिलकर पतंग को उड़ाते हैं और एक लाल पतंग जो रहती है उसको कैसे काटते हैं। तो बच्चों आपको ये पाठ सुनने में मजा आया होगा, आपको ये लेसन भी अच्छी तरीके समझ में आ ही गया होगा। तो बच्चों इस लेसन में बस इतना ही, अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।